नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये बेबी कैप एक साल के बच्चे के लिए। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे आके ख़त्म करेंगे। पूरी कैप जो है, चाहे ये स्टार्टिंग में हो चाहे ये एंड पे हो, ये हमारी रिप पैटर्न में है। तो रिप पैटर्न में बुनेंगे इसको। बहुत सिंपल कैप है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रही है लेकिन बहुत सिंपल और बहुत इजी। इवन कि अगर आपने अभी अभी बुनना सीखा है तो भी आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो अभी हम अपनी कैप बनाना शुरू करते हैं। कैप के लिए हम यही वूल यूज़ कर रहे हैं, 4-ply वूल, और ये बेबी वूल है। आप अपनी पसंद की कोई भी वूल ले सकते हो। और इसके लिए जो है ये सिलाई है 9 नंबर की, 3.5 या 3.75 mm की। और जो फंदे हम डालेंगे वो हम डालेंगे नीचे से उनको डबल करते हुए। मैंने ये बेबी वूल ली है, मल्टी कलर्ड है। आप चाहो तो अपनी पसंद की जो भी वूल आपको अच्छी लगे तो उस हिसाब से आप अपनी वूल चूज कर सकते हो। तो इसके हम जो है 90 फंदे डालेंगे नीचे से। इस तरह से ये फंदे जो हैं, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो कि फंदे कैसे डालने हैं। ये फंदे नीचे से देखने में ऐसे लगता है जैसे कि दो दो का पेयर हो, दो दो का जोटा हो। और जो रिप पैटर्न होता है उसके लिए ये फंदे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए ये जो पूरी कैप है हमारी ये रिप पैटर्न में है, तो मैं ये जो फंदे हैं इस तरह से डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद ये फंदे इस तरह के लगेंगे। तो मैंने अभी फंदे जो है वो डाल रखे हैं इस तरह से, नीचे से ये देखने में ऐसे लगते हैं फंदे। अब यहां से हम अपनी जो कैप है उसकी बुनाई शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमारी जो है इसी तरह से जाएगी जो पहली सिलाई है, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। इसमें जो है एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, अगर स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे हैं तो लास्ट में भी हमारे फंदे दो सीधे ही होने चाहिए ताकि हमारा जो पैटर्न है रिप पैटर्न है उसकी सिमेट्री बनी रहे। तो इसमें इस तरह से दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बुननी है। पहली सिलाई जहां से हम अपनी कैप की बुनाई शुरू कर रहे हैं, दो फंदे सीधे। अब ये हम लास्ट वाले फंदे हैं वहां पे आ गए, दो उल्टे, और जो हमारे लास्ट वाले फंदे हैं वो दोनों ही सीधे बुने जाएंगे। मतलब इस तरह से जो स्टार्टिंग में हमारे फंदे थे, दो फंदे हमारे स्टार्टिंग में सीधे थे तो लास्ट में भी हमारे दो फंदे सीधे रहेंगे। उल्टी सिलाई जो है, उल्टी सिलाई में जो फंदे हमने पिछली बार सीधे बुने थे उनको उल्टा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदों को सीधा बुनेंगे। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे, तो इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई जाएगी। मतलब पिछली बार जो उल्टे थे उनके ऊपर सीधे फंदे बुने जाएंगे और जो सीधे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। स्टार्टिंग में जब हमने पहली सिलाई बुनी थी उसमें स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे और दो उल्टे से हमने शुरू किया था, और उल्टी सिलाई में दो फंदे उल्टे और दो सीधे, इस तरह से हम जो है पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे और लास्ट में हमारे दोनों फंदे उल्टे आने चाहिए। अब आगे हम इस सिलाई के एंड पे, अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे दो सीधे और लास्ट वाले दोनों फंदे उल्टे। स्टार्टिंग में भी उल्टी सिलाई में दो फंदे उल्टे थे तो लास्ट में भी दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये जो दो सिलाई है इनको हमने दो बार और दोहराना है। मतलब कि जो पहली और दूसरी सिलाई है इसी तरह से हम तीसरी चौथी और पांचवी छठी सिलाई डालेंगे। पहली छह सिलाई बिल्कुल इसी तरह से डालेंगी जैसी पहली दो सिलाई डाली है, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछली सिलाई पहली सीधी सिलाई डाली थी सीधी तरफ से।
चौथी सिलाई बिल्कुल दूसरी सिलाई की तरह उल्टी तरफ से, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, यह है हमारी चौथी सिलाई, बिल्कुल दूसरी सिलाई की तरह बनाएंगे इसको। अब आगे पांचवी सिलाई पे बिल्कुल पहली सीधी सिलाई की तरह है, दो सीधे, दो उल्टे, मतलब पहली छह सिलाई बिल्कुल सेम होंगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब आगे उल्टी सिलाई पे दो उल्टे, दो सीधे, बिल्कुल पिछली उल्टी सिलाई की तरह, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, पूरी सिलाई इसी तरह से जाएगी हमारी। अब ये हमारा स्टार्टिंग की जो छह सिलाई हमने रिब पैटर्न में डालनी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तीन सीधी तरफ से, तीन उल्टी तरफ से, स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे, लास्ट में भी दो फंदे सीधे, और उल्टी सिलाई में दो फंदे उल्टे, लास्ट में भी दो फंदे उल्टे। ये हमारी छह सिलाई जो है वो पूरी हो चुकी है। अब यहां से हमारा जो है आगे का पैटर्न शुरू होगा, तो इसमें अब छह सिलाई डालने के बाद अब जो सातवीं सिलाई है उसमें हमने पहले छह फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, मतलब कि दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे थे ये जब हमने ये रिब पैटर्न शुरू किया था, तो अब ये छह फंदे, छह सिलाई रिब पैटर्न में बुनने के बाद छह फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। छह फंदे सीधे बुनने के बाद ये बीच में जो है हमारा रिब पैटर्न दोबारा शुरू हो जाएगा लास्ट के छह फंदों से पहले तक। पूरी सिलाई हमारी जो है छह फंदे लास्ट वाले छोड़ के बीच वाले जो फंदे हैं वो रिब पैटर्न में जाएंगे। पहले छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, उसके बाद रिब पैटर्न दोबारा शुरू हो जाएगा जैसे ही नीचे से हमारा ये पैटर्न चलता आ रहा है। जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, सीधे वालों को सीधा बुनेंगे। लास्ट के छह फंदे हमने इसमें दोबारा फिर सीधे बुनने हैं जिस तरह से स्टार्टिंग में है। तो अभी जो है हम ये रिब पैटर्न बुन रहे हैं लास्ट के छह फंदों तक। अब ये हमारे पास लास्ट में छह फंदे बचते हैं, इन छह फंदों को हम सीधा बुनेंगे, छह के छह फंदे जिस तरह से स्टार्टिंग में बुने थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मतलब छह सिलाई रिब पैटर्न बुनने के बाद हमने जो सातवीं सिलाई हमारी थी सीधी तरफ से उसमें स्टार्टिंग में छह फंदे सीधे बुने और लास्ट में छह फंदे सीधे बुने, बीच का जो पैटर्न था हमारा रिब पैटर्न उसको हमने एज इट इज ही रिब पैटर्न की तरह बुना। तो अब यहाँ पे सातवीं सिलाई के बाद आठवीं सिलाई में ये जो छह फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से और बीच वाला रिब पैटर्न ऐसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम पहले इसको बुनते आ रहे हैं। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, ये पहला फंदा हर बार ही बिना बुने उतारना है, उसके बाद पांच फंदे उल्टे बुने, तो ये हो गए हमारे छह फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, छह फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारा ये रिब पैटर्न फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा, यहां से दो सीधे, दो उल्टे, जिस तरह से हम इसको ऑलरेडी बुनते आ रहे हैं। हमारी जो रिब पैटर्न की ये जो एक चेन सी चली आ रही है, ये रिब पैटर्न जो जिस सिमेट्री में आ रहा है ये टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा बीच में जहां हमने रिब पैटर्न बुनना है। जहां डिजाइन चेंज करना है वहां पे तो हम जैसे फंदे हैं अपने हिसाब से उनको सीधे या उल्टे बुनेंगे, लेकिन जहां हमें रिब पैटर्न चाहिए, जहां पे हम रिब पैटर्न बुन रहे हैं इस कैप के डिजाइन के अकॉर्डिंग, वहां पे हम उसको रिब ही बुनेंगे। तो ये छह फंदे उल्टे बुनने के बाद बीच वाले सारे फंदे जो हैं रिब पैटर्न के बुने जाएंगे लास्ट के छह फंदे छोड़ के, लास्ट के छह फंदे जो हैं वो हम उल्टे बुनेंगे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में उल्टे बुने हैं। अब आगे हम लास्ट वाले सिक्स स्टिचेस से पहले,
ये छह फंदे जो हैं पिछली बार हमने सीधे बुने थे तो उल्टी सिलाई में ये उल्टे बुने जाएंगे, क्योंकि ये उल्टी सिलाई जब हमने शुरू की थी तब भी हमने ये फंदे उल्टे बुने थे छह, तो लास्ट में भी ये छह फंदे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। तो ये होगी हमारी जो पैटर्न जहाँ से हमने चेंज करना शुरू किया है उसकी ये दो रो, सातवीं और आठवीं रो। अब आगे हम अपनी इसकी नाइन्थ रो पे, नौवीं सिलाई बिल्कुल सातवीं सिलाई की तरह बुनेंगे, पहले छह फंदे सीधे और उसके बाद रिप पैटर्न जिस तरह से हम इसमें जिस तरह से हमने सातवीं सिलाई में बुना था, पहले छह फंदे इस तरह से बिल्कुल सीधे बुने हैं, उसके बाद हम बीच में रिप पैटर्न बुनेंगे लास्ट छह फंदों तक, और छह फंदे जो लास्ट वाले हैं उनको हम बिल्कुल सीधा बुनेंगे। अब आगे लास्ट छह फंदों पे ये जो छह फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये जो तीन सिलाई है, तीन सिलाई में हमने जो जिन ये जो पैटर्न चेंज किया है उसके बाद बीच में हमारी ये हमारे जो फंदे हैं इनको हमने रिप पैटर्न से ही बुना, और साइडों पे ये छह फंदे हैं, स्टार्टिंग में पहली सिलाई में सीधे बुने गए, दूसरी सिलाई में उल्टे बुने गए, तीसरी सिलाई में फिर सीधे बुने गए दोनों तरफ। अब यहाँ पे तीन सिलाई के बाद चौथी सिलाई में हम इसको दोबारा फिर ये जो छह फंदे हैं ये छह फंदों के साथ अगले दो फंदे मिला के हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे। उसको स्टार्टिंग में पहला फंदा हम उल्टे में बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ पे ये छह फंदे पिछली बार हमने जो है उल्टे बुने थे, तो जब हमने उल्टी अब ये जो पैटर्न चेंज कर रहे हैं ये हम उल्टी तरफ से चेंज कर रहे हैं, ये हमारा बुनाई का उल्टी तरफ वाला हिस्सा है, तो इन फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग वाले जो छह फंदे हैं वो सीधे हो जाएंगे, और जब हमने ये पैटर्न को चेंज करना है मतलब उल्टे से सीधे करने हैं, सीधे से उल्टे करने हैं, तो हम जितने फंदे ऑलरेडी हमारे पास हैं जिनको हम हमने पिछली सिलाई में लास्ट जो पैटर्न चेंज किया तब हमने ये छह फंदे यूज किया, तो जितने फंदे हम यूज करेंगे उससे दो फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये छह फंदे हैं यहाँ पे हो जाएंगे दो फंदे एक्स्ट्रा, साथ में आठ फंदे। मतलब हर बार जब हमने ये पैटर्न चेंज करना है तो दो फंदे जो है हम रिप पैटर्न से इसके साथ मिलाएंगे। तो अब ये हमारे पास हो गए आठ फंदे, यहाँ पे हमने आठ फंदे सीधे बुने हैं, उसके बाद बीच में फिर रिप पैटर्न शुरू हो जाएगा और लास्ट के जो आठ फंदे हैं उनको भी हम सीधा बुनेंगे। एक बार हमारा जो पैटर्न है सीधी तरफ से चेंज होगा और एक बार हमारा पैटर्न उल्टी तरफ से चेंज होगा। तो जब हमने शुरू किया था पैटर्न को चेंज करना तो हमने छह फंदे जो थे स्टार्टिंग में सीधे बुने थे, तो जब हमने इन तीन बार तीन सिलाई बुनने के बाद उन्हीं छह फंदों को साइड के छह फंदों के साथ जब हम उसको चेंज करेंगे तो छह से वो फंदे आठ हो जाएंगे। और इसी तरह से हर बार जब हमने साइड में पैटर्न चेंज करना है, फंदे चेंज करने हैं, तो दो फंदे जो बीच वाले रिब वाला पैटर्न है वहां से हम उसके साथ मिलाते जाएंगे। तो इसी तरह से लास्ट में भी हमारे पास छह फंदे हैं तो लास्ट में भी हम छह फंदों की बजाय आठ फंदों को सीधा बुनेंगे। अब आगे हम अपनी बिल्कुल एंड की तरफ सिलाई के बिल्कुल बुनाई के एंड पे, तो यहाँ पे है हमारे पास आठ फंदे, दो चार छ और ये दो आठ, तो ये आठ फंदे अब सीधे बुने जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में भी ये सीधे थे तो एंड में भी ये फंदे सीधे बुने जाएंगे इस तरह से। अब आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ सीधी तरफ। अब इस सिलाई में अब लास्ट टाइम जब हमने ये पिछली सिलाई में पैटर्न चेंज किया तो यहाँ पे ये हमारे पास आठ फंदे सीधे बुने। अब इन फंदों को हमने सीधी तरफ से उल्टा बुनना है, ये जो आठ फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे।
8 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो हमारा बीच वाला रिब पैटर्न है उसको हम वैसे ही बुनेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। लास्ट वाले 8 फंदों को छोड़ के लास्ट वाले 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब आगे लास्ट वाले 8 फंदों पे लास्ट वाले 8 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये हो गई 2 सिलाई हमारी। तीसरी सिलाई बिल्कुल पिछली सिलाई की तरह ही जाएगी कि साइड में जो है हमारे फंदे उनको हम ये जो पहले 6 थे फिर 8 फंदे, तो 8 फंदे उल्टी तरफ से सीधे बुने जाएंगे और बाकी बीच वाला रिब पैटर्न जो है वो वैसे ही रहेगा और साइड के 8 फंदे फिर हम जो उल्टी तरफ से उनको सीधा बुनेंगे। तो ये जो हम हर बार 2 फंदे जो है वो अपने साइडों पे रिब पैटर्न से मिला रहे हैं, तो उन फंदों के साथ जो है 3 सिलाई डालेंगे हम जब भी हमने पैटर्न चेंज करना है। और चौथी सिलाई में दोबारा फिर अगर हमने जैसे ये साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फंदे हमारी 3 सिलाई सीधी तरफ से देखने में सीधी नजर आ रही हैं, उल्टी तरफ से देखने में ये उल्टी नजर आएंगी। जब ये आगे आगे बनता जाएगा तो साइड से भी लगेगा कि हम रिब पैटर्न में ही इसको बुन रहे हैं, तो वही इफेक्ट देने के लिए हम ये 3 सिलाई बुनेंगे। यहाँ पे अब सीधी तरफ से 3 सिलाई सीधी आ रही हैं, दिख रही हैं, अब ये 3 उल्टी दिखेंगी, उसके बाद फिर 3 सीधी, फिर 3 उल्टी, फिर 3 सीधी। और जब भी हमने ये सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा चेंज करना है तो रिब पैटर्न से जो बीच वाला रिब पैटर्न है उससे 2 फंदे हमने इन फंदों के साथ मिलाने हैं जब तक कि हमारे पास बीच में सेंटर के 2 फंदे ना बच जाए। तो अभी ये जो है हमारी तीसरी सिलाई है जो हम डाल रहे हैं, लास्ट के जो 8 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे, बाकी बीच में सारा हमारा रिब पैटर्न बुना जाएगा। अब आगे एंड पे, तो एंड में ये जो है 8 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो इस तरह से हम ये जो है इसको अब जब हमने सीधी तरफ से ये फंदे जो हैं ये पैटर्न को चेंज करना है, यहाँ पे सीधे हैं 3 लाइन सीधी, बिल्कुल ये सीधी आ रही हैं, और यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 लाइन उल्टी आ रही। अब यहाँ पे हम इसको फिर दोबारा सीधे बुनेंगे इन फंदों को। तो जब हमने ये 8 फंदे सीधे बुनने हैं अब, तो अगले 2 फंदे जो रिब पैटर्न के हैं उनको साथ में मिला लेना है, 5, 6, 7 और ये 8। लास्ट टाइम भी 8 थे तो 2 फंदे और मिला लेंगे, ये हो जाएंगे 10। तो इसी तरह से जो है हम इसको अपना ये जो पैटर्न है इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे जहां तक हमारे पास सेंटर में यहाँ पे जो ये जो रिब हमें नजर आ रही है, रिब पैटर्न जो हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर के 2 फंदे सीधे नहीं बच जाते तब तक हम ये साइड का डिजाइन जो है इसी तरह से इसको दोहराते जाएंगे। मतलब सीधा उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, और हर बार यहां से ये जो अंदर रिब पैटर्न है इसके 2-2 फंदे इसके साथ मैच करते जाएंगे। तो अभी जो है हम अपना यहाँ हो गए हमारे सीधे 10 फंदे और बाकी के फंदे रिब पैटर्न में, और लास्ट के 10 फंदे बिल्कुल सीधे बुनेंगे। इसी तरह से पहले 6 थे फिर 8 है फिर 10 है फिर 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, बिल्कुल एंड तक। हमने ये जो कैप है 90 फंदों के साथ शुरू की थी। ये जो साइड का पैटर्न हमने बनाना शुरू किया है ये पैटर्न हमने तब तक बनाना है जब तक हमारे पास सेंटर में 2 फंदे ना रह जाएं। इसमें टोटल 90 फंदे हैं, तो 90 में से 2 माइनस हुए तो बाकी बचे 88। 88 फंदे जो हैं, 88 फंदों में से 44 फंदे हम इस तरफ,
बुनेंगे 44 फंदे हम इस तरफ बुनेंगे, यहां से जो हम दो दो फंदे बढ़ाते जा रहे हैं, जब हमारे पास यहाँ 44 फंदे हो जाएंगे, इस तरफ भी 44 फंदे हो जाएंगे, तब हम अपनी निटिंग जो है वो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अभी जो है ये मेरे पास ये 16 फंदे हो चुके हैं, मतलब अब मैं यहाँ पे पैटर्न चेंज करूंगी तो 16 से 18 हो जाएंगे, उसके बाद फिर 20 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम साइडों पे जब भी ये पैटर्न चेंज करेंगे, अभी अभी तक हम जो है ये हमारा इस तरफ ये उल्टा उल्टा उल्टे फंदे आ रहे हैं, ये जो तीन सिलाई हमने बुनी है साइडों पे इस तरह से बुनी है कि सीधी तरफ से हमें ये उल्टी नजर आए। तो अब हम जब ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब मैं सीधे बुनूंगी सारे फंदे, 18 फंदे। जब 18 फंदे सीधे बुनेंगे तो पैटर्न हमने चेंज किया है, उसके लिए यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 20 फंदे। तो हर बार हमने जब भी साइडों का पैटर्न चेंज करना है तो अंदर वाले जो हमारा रिप पैटर्न है वहां से दो फंदे उसके साथ मिलाने हैं। ये है हमारे 18 फंदे, ये 18 फंदे और ये दो फंदे और इसके साथ मैच कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 20 फंदे। तो इसी तरह से हमने जो है 44 फंदों तक साइड पे हमारे 44 फंदे होने चाहिए, और 44 फंदों के यहाँ पे एक तरफ 44 फंदे, दूसरी तरफ भी 44 फंदे, 44 स्टिचेस, और बीच में बचेंगे हमारे दो फंदे। वहां तक बुनने के बाद हम जो है इसकी जो मेन लेंथ है हमारी वो पूरी हो जाएगी और वहां पे हम इसकी बुनाई बंद कर देंगे। अभी ये हमारी जो कैप है इसकी बुनाई पूरी हो चुकी है। साइडों पे पैटर्न डालते हुए इस तरह से हमने जो है दोनों तरफ जो है 44 फंदे हमारे आगे हैं, 44 फंदे ही आगे और 44 फंदे ही हमारे इस तरफ पीछे, और बीच में है ये दो फंदे सीधे इस तरह से। अब हम ये जो फंदे हैं हमारे, इसको मैं सर्कुलर नीडल में डाल रही हूँ ताकि मुझे उनको डिवाइड करने में आसानी रहे। आप चाहो तो इन फंदों को डबल पॉइंटेड नीडल जो गले वाली होती है उसमें डाल सकते हो, या फिर अगर आप इस तरह की सिलाई में आसानी से डाल के बुन सकते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं ये जो मेरे फंदे हैं इनको मैं ये सर्कुलर नीडल है मेरे पास, तो मैं इन ये जो मेरे फंदे हैं इनको मैं सर्कुलर नीडल पे उतार रही हूँ सारे के सारे फंदे, क्योंकि यहाँ तक बुनने के बाद हम इसे जो है अब पीछे से जोड़ते हुए बंद करेंगे। अभी ये मैंने जो है सर्कुलर नीडल में अपने फंदे डाल लिए हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो साइडों पे भी ऐसे लग रहा है जैसे रिप पैटर्न हो दोनों तरफ, और बीच में तो हमने स्टार्ट ही रिप पैटर्न से किया था। अब इसको हम ये जो हमारा पोर्शन है इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, और जब इसको हमने जोड़ना है पीछे से तब हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये जो हमारी बुनाई है, बुनाई की जो ये चेन है वो सीधी तरफ हो। तो मतलब कि हमने जो इसको बंद करना है यहां से इसको, तो ये चेन हमारी अंदर की तरफ होगी और हम ये इस तरह से अपने फंदे सर्कुलर नीडल पे, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आपको सर्कुलर नीडल पे इजी ना लगे तो आप इनको डबल पॉइंटेड नीडल, जो नीडल हम कंधा बनाने के लिए यूज करते हैं, आप उसमें भी डाल सकते हो। इसमें डालने का एक फायदा होता है, बार बार ये नहीं देखना पड़ता कि हमारा जो ऊन है किस तरफ है, बार बार जो है सिलाई चेंज नहीं करनी पड़ती, एक ही बार डालने के बाद हम जो है ये अपने यहां से फंदे जो है बंद करने शुरू कर देंगे। अब यहां से हम पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपस में जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए, एक फंदा एक तरफ से और एक फंदा दूसरी तरफ से, दो दो फंदे नॉर्मली जिस तरह से हम ये फंदे बंद करते हैं, दो फंदे दो को इकट्ठा बुनेंगे, इस तरह से, और उसके बाद अगले दो फंदे भी इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से। ये बुनने के बाद पीछे वाला फंदा जो है वो पहले वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से
दो दो फंदे इकट्ठे बुनते हुए हम इसके ये जो पीछे वाला हिस्सा है हमारा, इसका एंड है जो हमारी कैप का, उसको हम बंद करके पूरा करेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे, दो का एक करेंगे, पिछला फंदा जो है उसको पहले वाले फंदे के ऊपर से पास करेंगे। तो इस तरह से जो है हम ये अपनी ये जो पिछला हिस्सा है इसका पूरी बुनाई बुनने के बाद पिछला हिस्सा जो है उसको हम बंद करेंगे। अब ये हमने ऑलमोस्ट अपना जो है बंद करने का पिछला जो पूरा कंप्लीट बंद कर दिया है इस तरह से। और ये है लास्ट वाले फंदे, दो इकट्ठे बुनते हुए, ये लास्ट, ये जो एक फंदा बचेगा इसमें से हम अपनी जो ये वूल है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि जब हम लास्ट में इसको टक करने में हमें इजी रहे, इस तरह से। तो ये होगी हमारी कैप की बुनाई का जो मेन बुनाई का हिस्सा वो कंप्लीट। ये हमारी कैप का मेन जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्ट किया था इस तरफ से 90 फंदों के साथ, उसके बाद 6 सिलाई बुनने के बाद यहाँ पे यहाँ से जो है हमने एक बार 6 फंदे सीधे दोनों तरफ किए, स्टार्टिंग में 6 फंदे सीधे, बाकी का रिप पैटर्न बीच में स्टार्टिंग में और उसके बाद ये एंड में, और धीरे धीरे करते हुए पहले सीधी तरफ, ये बिल्कुल सीधी तरफ से सीधे बुने, उल्टी तरफ से उल्टे बुने, सीधी तरफ से फिर सीधे बुने। 3 सिलाई बुनने के बाद 6 फंदों में 2 फंदे और जोड़े, 6 के 8 हुए, और ये जो हमारा 3 सिलाई का, हमें ये सीधा सामने से तीनों सिलाई इस तरह नजर आ रही है जैसे सीधी उल्टी सीधी। तो जब हमने ये पैटर्न चेंज करना है, 2 फंदे साथ में जोड़ने हैं, तो यहाँ पे उल्टी तरफ से सीधे फिर उल्टे फिर सीधे, मतलब कि ये इफेक्ट हमें चाहिए कि एक बार जो सीधी तरफ से है हमें ये दिखे कि हमारा यहाँ पे जैसे एक सीधी एक उल्टी एक सीधी सिलाई आ रही है, उसके बाद यहाँ पे 3 सिलाई बिल्कुल सामने, ऐसे लग रहा है कि तीनों सिलाई हमने उल्टी बुनी है। तो इस तरह करते हुए हमने ये बिल्कुल एंड तक बुना है, लास्ट तक। 90 फंदे थे, 90 में से दो दो फंदे जब भी हमने ये पैटर्न चेंज किया, हर 3 सिलाई बुनने के बाद दो दो फंदे हम बढ़ाते गए, जिससे कि रिप पैटर्न के फंदे घटते गए, साइड के फंदे बढ़ते गए। जब हमारे पास यहाँ दोनों साइड पे 44 44 फंदे हो गए, और बीच में जो है हमारे पास ये दो फंदे जो हैं वो सीधे बचे, तो हमने इसको पीछे से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से फंदे उठाते हुए यहाँ पर जो है छोटा सा साइड का यहाँ बॉर्डर बनाएंगे 3 गार्टर स्टिच का। तो अभी मैं यहाँ से इस तरफ से शुरू करते हुए फंदे उठाऊंगी और देखते हैं कितने फंदे उठते हैं। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं हम फंदे उठाना, ये यहाँ पे बिल्कुल एंड में मैं वूल को टक करते हुए साथ में इसको अटैच करके यहाँ से फंदे बनाएंगे हम लोग। ये जो एक्स्ट्रा ऊन होती है ये मैंने थोड़ी सी रखी है, तो इस एक्स्ट्रा ऊन को मैं जो है इसके साथ ही इसको पीछे से साथ ही लेते हुए चलूंगी, ताकि ये फिर मुझे बाद में ना इसमें जो है इसको टक करना पड़े। तो अब देखते हैं कितने फंदे जो हैं यहाँ से उठते हैं। जो एक फंदा हमने सबसे पहला बिना बुने छोड़ा था, वहीं से हम इस तरह से लेते हुए हम ये फंदे जो हैं बनाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि 90 फंदों के आसपास फंदे होंगे, पर देखते हैं कितने फंदे हम ले पाते हैं।
एक साइड से शुरू करते हुए दूसरी साइड तक लेंगे, और ये पीछे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वूल थी उसको भी मैं ये साथ ही ले रही हूँ, ताकि नहीं तो फिर बाद में मुझे इसको अंदर टक करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरफ से शुरू करते हुए दूसरी तरफ हम ये फंदे जो हैं एक एक करके उठाएंगे। अभी ये हमने फंदे उठाए हैं तो ये 90 नहीं 70 फंदे हैं, तो 70 स्टिचेस हैं जो हमने पीछे से उठाए हैं। अब यहाँ पे मैं 40 स्टिचेस जो हैं और बनाऊंगी, ताकि जो हमें स्ट्रैप चाहिए कैप की वो भी हम साथ ही बना लें। तो यहाँ पे मैं जो है 40 स्टिचेस और डालूंगी इस तरह से, ताकि जो स्ट्रैप हमें चाहिए कैप के लिए वो भी हमारी साथी बन जाए। अब ये हमने यहाँ पे 40 फंदे और डाल लिए हैं, ये 40 फंदे हैं हमारी स्ट्रैप के लिए, 70 फंदे ये, 40 फंदे ये, तो 70 और 40 110, और 40 फंदे ही हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो इस तरफ बनाएंगे दूसरे स्ट्रैप के लिए। अब इसको हम जो है यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, ताकि हमें जो है गार्टर स्टिच रोज मिले, और हमें अभी चाहिए होंगी इसके लिए पीछे जो पट्टी है उसके लिए और जो स्ट्रैप है उसको बुनने के लिए हम 3 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे। तो इसके लिए मैं जो है ये सारा उल्टा उल्टा बुनूंगी इस तरह से, और जब हम बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद हम 40 फंदे ही दूसरी तरफ बनाएंगे दूसरी पट्टी के लिए। तो अभी ये जो है मैं इसको जो पिछला हिस्सा है हमारा पट्टी और जो गले का पिछला बॉर्डर हम इसका कैप का बॉर्डर बना रहे हैं पीछे, उसके लिए हम इसको उल्टा बुन के 3 गार्टर स्टिच रोज चाहिए हमें, चाहे आप सीधी बुनो चाहे उल्टी बुनो, तो मैं इसके लिए ये उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। तो इस तरह से हम ये जो है इसका बैक पोर्शन, बैक का जो बॉर्डर है वो, और साथ में ये जो स्ट्रैप है वो बुनेंगे 3 गार्टर स्टिच रोज, उसके लिए चाहे 6 सिलाई आप सीधी बुनो या उल्टी बुनो। तो अभी ये जो है मैं इसको उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। अभी आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ बिल्कुल एंड पे एक सिलाई बुनने के बाद, अब यहाँ पे भी हम जो है 40 फंदे बनाएंगे अपनी दूसरी स्ट्रैप के लिए। तो ये हो जाएंगे टोटल हमारे 70 फंदे हमारे बीच में हैं, तो 40 फंदे एक तरफ 40 फंदे दूसरी तरफ, तो टोटल 150 फंदे हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि ये कम या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 40 फंदे डालूंगी और उसके बाद उल्टा उल्टा बुनते हुए अपना बैक पोर्शन जो है विद स्ट्रैप्स और बैक पोर्शन जो है उसको पूरा करेंगे। तो अभी ये जो है बैक साइड और स्ट्रैप 3 गार्टर स्टिच रो बनाने के बाद, जिसके लिए हमने 6 सिलाई बुनी, चाहे आप सीधी बुनो चाहे आप उल्टी बुनो, लेकिन वो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, 6 सिलाई सीधी या 6 सिलाई उल्टी। तो ये 3 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। तो ये हमारे पास बैक जो है हमारी कैप, उसकी ये पट्टी और साथ में ये दोनों तरफ की स्ट्रैप, तो इसके साथ ही हमारी जो ये है कैप कंप्लीट हुई इस तरह से, ऐसे।